नमस्कार दोस्तों, मैं काला नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नैन डेयरी फार्म पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों तक पहुंच सके। तो ये देखिए, जो आज की वीडियो है काफ़ी शानदार वीडियो होने वाली है। आप देख पाओगे एक से एक शानदार मुर्रा गन्ना है, आप नगीना आप देख पाओगे। पहले भी यहाँ पर भाई साहब से वीडियो लेके आए हैं तो देख पाओगे, काफ़ी अच्छी कतार में देख पाओगे एक से एक। बिल्कुल वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पे देख पाओगे इस तरीके से जो टिकड़ी हुई है कि जैसे दो से चार दांत और खीरी कटड़ियों का शायद रिंग की वीडियो शूट कर रहे हैं। तो बिल्कुल अगर कहीं भी कंपटीशन और आज जो टियाँ जो चारों की चार जो टियाँ एक साथ खड़ी हो तो कोई ना कोई कंपटीशन में भाग लेकर एक नंबर तो ज़रूर लेकर आएगी। तो यहाँ से एक एक पशुधन की डिटेल भी लेंगे, भाई साहब से मिलवाएंगे। तो आइए भाई साहब। राम राम भाई, काला भाई। तो भाई जी, सबसे पहले अपना नाम और एड्रेस कंफर्म कराएं। भाई मेरा नाम लटुआ है। हाँ जी, गांव मखंड जिला जींद। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बताएं भाई साहब। 98-126-92-521। तो भाई जी की ये जो एक नंबर पे अपनी कटड़ी है। हाँ जी भाई। इसकी कितनी एज हो चुकी है? ये एक साल की हो जाएगी 27 तारीख में भैया। एक साल की हो जाएगी। हाँ जी भाई। तो ये देखिए, एक साल की एज भाई जी बता रहे हैं। तो इसका फादर कौन है भाई साहब? इसका पीसी 127 की है। ये पीसी 127 की? हाँ। और मोटोर से लिया था 26 किलो 400 ग्राम इसकी माँ का रिकॉर्ड। मदर का रिकॉर्ड 26 किलो 400 ग्राम वहाँ पर रिकॉर्ड है। चल जी भाई जी। तो ये देखिए कटड़ी को अगर पास से आपको दिखाएंगे, देखिए एक साल की एज में कटड़ी की केयर काफ़ी ज़्यादा की हुई है भाई साहब ने। तो आप देख पाओगे, देखिए जो पीछे से अगर बात करें तो पीठ पुठा की क्वालिटी आप देख पाओगे काफ़ी अच्छी है। देखिए कटड़ी की नीचे से भी आप देख पाओगे जो थनों में स्पेस है काफ़ी अच्छा है कटड़ी में। देखिए साथ की साथ आप देख पा रहे हो रिंकल्स काफ़ी ज़्यादा है। पीठ की क्वालिटी देखिए बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल खड़ी पीठ की और जो प्योर मुर्रा करैक्टर आप कटड़ी में देख सकते हो, पीछे से चौड़ी आगे से बिल्कुल पतली। तो ये जो भाई जी ने इसकी एक साल बताई है, एक साल की 27 तारीख में होगी भैया। तो भाई साहब इनमें से जो पशुधन आज दिखाएंगे तो बिक्री के लिए कौन सा पशु है? काला भाई ये काटे तो बिक्री के लिए नहीं है, जो एक नंबर पे बनती है। हाँ जी। बाकी ये अपने तीन जो टियाब तैयार हो गया बिन्ने के भीतर बढ़ गई। हाँ जी, ये तीनों बिकाऊ है। ये अभी सेल करनी है, तैयारी पे करनी है भाई साहब? भाव तो करूंगा इनका तैयारी पे। तैयारी पे हाँ, बेचनी तीन दिन। तो ये देखिए जो दो नंबर पे आप जो टी देख पाओगे ये भी काफी शानदार जोटी है। तो ये कितनी एज हो चुकी है भाई जी इसकी? ये इसकी पेपे है भाई बढ़नी जो ये साथ में। हाँ। तो ये देखिए 2.25 साल काटी होगी, खीरी काटी है। खीरी कटड़ी है। हाँ, ये पीसी 575 की। 575 की। हाँ जी भाई। और प्रेग्नेंट की से बुल से भाई साहब? भाई वो नहीं पता, गांव का काटा था उस पे है ये पंचायती बुल से प्रेग्नेंट है। हाँ। तो ये देखिए इसकी भी अगर आपको क्वालिटी दिखाएं तो ये देखिए पीठ पुठा की क्वालिटी आप देख पाओगे काफ़ी शानदार है कटड़ी की। नीचे से थन देख पाओगे बिल्कुल थनों में स्पेस काफ़ी अच्छा है। अगर फेस की क्वालिटी की बात करें तो ये देखिए बिल्कुल रिंग सिंग देख सकते हो, काफ़ी छोटे सिंग की जो जो टिया देखिए पीछे से भी आप देख सकते हो, फेस बिल्कुल पतला लंबा फेस काफ़ी शानदार। ऐसे पशुधन जो भाई जी ने अपने खूंटे पर तैयार किए हुए हैं, एक ही खूंटे पे ऐसे पशुधन शायद ही आपने कहीं देखे हो। तो अभी कितने महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है अगर मेरे भाई साहब? ये भाई ये 8वें महीने 11 तारीख का ब्याह था इसका। 8वें महीने 11 तारीख का ब्याह था। और देखिए भाई जी का जो आगे देख पाओगे तीसरे नंबर पे ये पशुधन आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। देख सकते हो नीचे से भी अडर खोलना स्टार्ट कर दिया, काफ़ी अच्छा अडर बनाई गई जोटी है। देखिए तो जो ये तीन नंबर पे जोटी है इसकी क्या डिटेल है भाई साहब? इसकी 27 किलो इसकी माँ का रिकॉर्ड है भैया। 27 किलो? बिल्कुल जी भाई जी। 24 किलो नॉर्मल में दूध देती है, जो अपने पशु नॉर्मल में देवे नहीं। हाँ जी। लंबा वो मदीना से खरीद के लाए भैया इसका। मदीना से खरीदी? हाँ, परसों ही खरीदी है। इसकी माँ का वहीं पर रिकॉर्ड है? वहीं पर रिकॉर्ड है। और इसका जो काटा था इसका छोटा बड़ा भाई था। हाँ, इसके 13 लाख रुपए भी लगे थे भैया। यानी अगर बात करें तो काफी अच्छी ब्लड लाइन से है। बहुत अच्छी भैया, 27 लीटर में इसकी माँ पास हो रही है। 27 लीटर में? हाँ। तो ये देखिए जो टिका जो मदीना गांव से है भैया, मदीना गांव से खरीद के लाया। दो दांत है, 8वें महीने 1 तारीख एक तारीख का ब्याह था इसका। 8वां महीना की 1 तारीख का, यानी 1 महीने का लगभग अभी बाकी। तो ये देखिए जोटी काफी अच्छी है। तो आप खड़ा होने का स्टाइल भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा जोटी का देख सकते हो। ये देखिए बिल्कुल पतली लंबी गर्दन, काफ़ी शानदार क्वालिटी है जोटी की। ये देखिए जो मैंने वीडियो में बोलिया था, अगर बिल्कुल एक कंपटीशन के लायक पशुधन आज भाई ने अपने फार्म पे तैयार किए हुए हैं। नीचे से आप देख पाओगे पूंछ में कुछ ही सफेद बाल है। और ये देखिए जो नीचे से आर्डर खोलना अभी से स्टार्ट किया वो जोटी ने काफ़ी अच्छा आर्डर बनाएगी। तो जो आगे ये जोटी आप देख पा रहे हो कैमरे पे, देखिए काफ़ी अच्छी लोटा बहुत शानदार करेगी भाई साहब। यहाँ तक लोटा करेगी 20 लीटर दूध निकाले काला भाई ये खरकी। खरकी? हाँ।
तो ये देखिए जो भाई जी का अनुभव है कि भाई जी ने बताया है कि 20 किलो दूध ही जो पहले ही ब्यांत में देना जो टीने, तो अभी सेल करनी है या तैयारी पे करनी है भाई साहब? ये तैयारी पे करनी है भैया, तैयारी पे 10-12 दिन में और इसका भाव रख देंगे। अगर कोई अभी लेने का इच्छुक हो तो? अभी तो तैयारी पे नहीं है, के भाव कराएंगे भैया? तो ये देखिए जो भाई जी ने बताया कि तैयारी पे पशु बेचेंगे, काफ़ी अच्छे पशुधन है सभी। और जो आगे ये जो टी आप देख सकते हो, जो शरीर की नसें देखिए बिल्कुल पतली चमड़ी की, और नसें बिल्कुल सारी की सारी शरीर की खड़ी हुई है। फेस की क्वालिटी देख सकते हो, ये दो दांत है खड़ा भैया, ये भी दो दांत है, ये दो दांत है। हाँ, ये अपने घर की कटिया है, इसकी मदर का रिकॉर्ड था दूसरा दांत में 22 किलो बिल्कुल 22। तो ये देखिए नीचे से अल्टरेशन ने भी खोलना स्टार्ट किया हुआ, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे, देखिए थनों में स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, और पीठ की क्वालिटी भी आप देख पाओगे काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल रिंग सिंग है। तो अभी कितने महीने की प्रेग्नेंट है भाई साहब ये? ये 8वें महीने 11 तारीख का ब्यांत है, 8वें महीने की 11 तारीख का। तो अभी कौन से बुल से प्रेग्नेंट है इसका ये पता? ये अपना काटा था भाई, उसके है अपने घर का था। हाँ, पंचायत ले गई थी फिर उसने इसको काट डगी या प्रेग्नेंट आ गई। तो इसकी मदर का क्या रिकॉर्ड था? 22 लीटर भाई अपने घर पे, घर की कटिया थी वो भी अपनी। तो ये देखिए ये भी काफी अच्छी ब्लड लाइन से है, देखिए दो दांत है भैया, ये दांत दो दांत है। तो अगर बात करें तो ये देखिए चारों कटड़ी पीछे से अगर वीडियो कवर करें तो मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल एक रिंग की तरह कटड़ी खड़ी है, बिल्कुल ठंडे सांस स्वभाव की, मेहनत काफी ज्यादा करता है भाई जी। तो ये भी दिखानी है भाई साहब, ये भाई साहब ढाई महीना रह गया इसका, ढाई महीना बियाने का बाकी। ये अपने घर की है, 24 लीटर इसकी माँ में दूध था, 24 लीटर बिल्कुल जी भाई जी, तुलाया है कोई, कई भाई नहीं बताएंगे रिकॉर्ड है कि ना तुलाया, 24 लीटर दूध था इसकी माँ, कोहिनूर की काटी है ये खुद कोहिनूर की है। हाँ जी भाई जी। तो ये देखिए जो लक्ष्मी डेयरी फार्म का कोहिनूर बुल आप देख सकते हो, ये देखिए पीछे से पीठ काफ़ी चौड़ी है कटड़ी की, और नीचे से भी आप देख पाओगे थनों में स्पेस काफ़ी अच्छा है। तो ढाई महीने इसका भाई जी ने ब्याने का बाकी बताया, आगे से भी आप फेस की क्वालिटी देख पाओगे काफ़ी अच्छी, कोहिनूर एलडीएफ का जो काफ़ी अच्छी भैंस है, आप देख सकते हो शरीर पर नसें उठी हुई है, और आप देख पाओगे अडर पे भी काफ़ी मोटी मोटी नसें हैं जो भैंस की, बिल्कुल देख सकते हो साफ दिखाई दे रही है, मिल्क वैन काफ़ी अच्छी है। तो ये भैंस है भाई साहब, ये कौन सी तीसरे ब्यांत की है काला भैया? तीसरे ब्यांत में अभी हाँ 14-15 दिन की ब्याही होगी, 20+ दूध है इसमें, नीचे कटिया है 20+ दूध मौके पे तैयार है, तैयार है भाई जी, नीचे कटड़ी है, नीचे कटिया काय टाइम तोल लो उसका, दो चार जा भी जून तोलो जा तोल, ये बिक्री के लिए है, ये बिक्री के लिए भैया। तो इसका रेट क्या रखे भाई? 1.5 लाख रुपए। तो ये देखिए जो घरेलू लोग अगर दूध पीने के लिए, काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिमांड रहती है भैंस की, तो आप देख सकते हो भैंस काफ़ी अच्छी है, नीचे साथ में कटड़ी है, और 15 दिन की भी आएगा 20 किलो दूध भाई, 20 प्लस है भैया, और उम्मीद है इससे कि इतना पिछले ब्यांत में इसने 23 लीटर दूध निकाल रखा है। तो ये देखे पिछले ब्यांत में 23 किलो दूध निकाल लिया, जो 20 प्लस की भाई जी ने बताया कि चार टेम तोल के देख सकता है, अगर... थोड़ा लो कम है भैया, उस वजह से तो बेसिंग राजी हो। हाँ जी, 23 प्लस जान के बना रहे थे। तो ये देखिए कोई भी भाई लेने का लोगों की काफी ज्यादा डिमांड रहती है कि हमें 20 किलो दूध की भैंस चाहिए, और नीचे साथ में जो फ्री कटड़ी भी है आप ले देख सकते हो, काफी अच्छे पशुधन है जो भाई जी के फार्म पे हैं। तो अभी ये देखिए भाई जी के पशुधन आप देख पाओगे काफी अच्छे, कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो के लास्ट में करमबीर भाई साहब एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर बताएं। 98-126-92-521 काला भाई अपने पास कटिया भी है 12-13 उधर छोटी है जो, हाँ जी उसमें 6-7 काटी आगे की प्रेग्नेंट हो रही है, एक गाय है खीरी बाछी है, 17 किलो दूध है, 8-9 दिन की ब्याई है। तो ये देखिए जो अंदर भी भाई जी के पास काफ़ी पशुधन है आप देख सकते हो, तो जो यहाँ से भी कटड़ी बिक्री के लिए है, और जो मरीकन एचएफ जो आप गाय देख सकते हो काफ़ी खीरी बछड़ी भाई जी ने बताया है, ये खीरी है भाई साहब? हाँ जी खीरी बछड़ी भाई साहब, या 9-10-11 दिन की ब्याई होगी होगी, 17 लीटर दूध तैयार है इसमें, 17 लीटर दूध खीरी बछड़ी का। हाँ जी भाई जी। तो ये सेल के लिए है? सेल के लिए भैया। इसका रेट क्या रखा भाई? 80,000 रुपए भैया। ये देखिए 80,000 रुपए की, और कटड़ियाँ भी देख सकते हो नीचे भाई जी का, साथ ही साथ में नंबर भी चले हुआ है, अगर कोई भी भाई लेने का इच्छुक है तो भाई जी से संपर्क कर सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी का बने रहने के लिए धन्यवाद, कमेंट करके जरूर बताना आपको पशुधन कैसे लगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद दोस्तों।